अमित जी, आपने अपने गेस्ट हाउस पर कश्मीरी नोट अलाउड का एक बोर्ड लगाया है, क्या कारण क्या है उसका? क्या देखिए, हमारे जो गेस्ट आते हैं उन गेस्ट को प्रॉब्लम है कि अगर कोई कश्मीरी यहाँ रुकता है तो वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हम लोग जो हैं उनकी आपत्ति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम किसी गेस्ट की तलाशी तो ले नहीं सकते, ना जामा तलाशी ले सकते, ना बैग चेक कर सकते, तो हम लोगों ने जो है ये लिखा है कि नोट अलाउड। तो कहीं ना कहीं कश्मीरों से असहज हैं पुलवामा हमले के बाद, या उनके आपके मन में उनके प्रति छवि बदली है क्या? नहीं, हम तो असहज हैं, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं वो ज़्यादा असहज हैं। तो हम एक रूम की चेकिंग के लिए जो बाकी गेस्ट को जो है भयभीत तो नहीं रखना चाहते। लोग कहते हैं कि अगर आपके यहाँ कश्मीरी रुका है तो हम नहीं जाएंगे। तो क्या आप ये मानते हैं कि हर कश्मीरी इस टाइम संदिग्ध बिल्कुल नज़रों से देखा जा रहा है? लेकिन कौन इस बात को जो है जांच करेगा कि कौन है कौन नहीं है? उस रास्ते में चलो जिस रास्ते कांटा लगता हो। तो जैसे कि पिछले दिनों शारदा में भी हुआ था और दो कॉलेज में भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं कश्मीरी जो है काफ़ी उपद्रव मचाने में इस टाइम कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई कभी समस्या नहीं हुई, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं जिसे वो चेक इन करने के लिए आए हैं और कोई और भी चेक इन करने के लिए आ गया है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं हम जो है हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कहीं ना कहीं आपके कहने में कहीं ना कहीं जो और लोग आते हैं और शायद महसूस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस प्रभावित होता है। थैंक यू भैया।